2015 का वो वाक्या आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कहते हैं, और इस विशेष पैकेज में 1.5 लाख करोड़ की जो राशि है उसको सुनिश्चित किया जाता है। बहरहाल, कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने उस मंच से इस पैकेज के बारे में जानकारी दी थी, जिस मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहे थे। और नीतीश कुमार लगातार पैकेज में दिए गए राशियों के खर्च पर जब पीएम मोदी एक एक बात कह रहे थे तो नीतीश कुमार ताली बजाते नजर आए थे। बहरहाल, बिहार में एक बार फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो आंकड़ों के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। दरअसल, लगातार नालंदा जिले में जिस तरीके से बिहार सरकार डेवलपमेंट का काम कर रही है, ऐसे में बिहार सरकार चाहती है कि राजगीर में एक एयरपोर्ट बने। इसको लेकर राशि केंद्र सरकार से बिहार सरकार मांग रही है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है। इसको लेकर अब सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार को घेरा है और कई जो आंकड़े हैं वो पेश किए हैं, और इसके साथ कहा है कि बीजेपी हर तरीके से बिहार सरकार को मदद करना चाहती है और कर रही है, लेकिन बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से डेवलपमेंट का काम बिहार में नहीं हो पा रहा। बता दें आपको कि सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि हमने पटना के जो बिहटा है वहाँ एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार से ज़मीन मांगा था, लेकिन ज़मीन बिहार सरकार नहीं दे पाई। इसके साथ ही दरभंगा और पूर्णिया में भी एयरपोर्ट के विस्तार और नए एयरपोर्ट पूर्णिया में बनाने के लिए बिहार सरकार से ज़मीन मांगी गई थी, जो कि बिहार सरकार मुहैया नहीं करा पाई। ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने ये आरोप लगाया है कि बिना मतलब का बिहार सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। बात की जाए तो सुशील कुमार मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि हाल में जितने भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्रियों की जो अहम बैठक है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई थी। इस दौरान बिहार सरकार ने वित्त मंत्री से 20 करोड़ जो राशि है वो मांगा था। इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि हम राशि उपलब्ध कराने में कभी भी अक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही है वो बिहार सरकार द्वारा ही देखी गई। बता दें आपको कि इसी कड़ी में सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार को एक बड़ा चैलेंज दिया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार के तरफ से बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो आप खुद ही राजगीर में एयरपोर्ट बना लें। बता दें आपको कि पूर्व के समय में जब राजगीर में एयरपोर्ट बनाने की मांग की गई थी, उस दौरान ये देखा गया था कि राजगीर पटना से बेहद नज़दीक था, जिसके कारण केंद्र सरकार ने राजगीर में एयरपोर्ट बनाने के लिए जो मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया था। देखने वाली बात होगी कि सुशील कुमार मोदी के इस आंकड़ों वाले हमले के बाद अब किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन में जो घटक दल हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।